नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कवि बाण भट्ट के विषय में। और कवि बाण भट्ट के द्वारा जो लिखी गई कादंबरी है, आज हम उस कादंबरी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और कादंबरी में वर्णन चल रहा है राजा शूद्रक का, क्योंकि जो कथामुख भाग है उस कथामुख भाग में जो राजा शूद्रक है उसका वर्णन है। तो देखिए, जो कवि बाणभट्ट हैं वे राजा शूद्रक का वर्णन करते हुए कहते हैं, देख क्या कहते हैं, कि सत्यपि रूप विलासोपहसित रति बिभ्रमे लावण्यवती। इसमें क्या बताया है कि जो राजा शूद्रक है उस राजा शूद्रक के दरबार में, राजा शूद्रक के राजमहलों में ऐसी स्त्रियां हैं। देखो क्या कहा है, देखिए विद्यार्थी, ये कहा है सत्यपि। सत्यपि का मतलब होता है सत्यपि माने होने पर। रूप विलास यानी रूप से, विलास से, उपहसित कहते हैं उपहास करने वाली रति विभ्रमे, यानी रति जो होती है, रति आप जानते होंगे विद्यार्थियों, रति किसको कहते हैं, जो कामदेव है और कामदेव की जो पत्नी है उसको क्या कहा जाता है, रति कहा जाता है। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वह क्या किया गया है कि जो राजा शूद्रक है उस राजा शूद्रक के दरबार में रूप और विलास, रूप कहते हैं सौंदर्य को और विलास, विलास कहते हैं जो हवावादी होते हैं। उपहसित कहते हैं जो उपहास करने वाली थी, यानी जो अर्थात जो अपने रूप से क्या कहते हैं कभी कि जो अपने रूप से और विलास से, विलास कहते हैं स्त्रियों के जो हाव भाव होते हैं। उपहसित कहते हैं उपहास करने वाली थी, किसका उपहास करने वाली थी, रति, रति का। विभ्रमे रति विभ्रम में लावण्यवती, वह लावण्य से भी युक्त थी। क्या कहा, लावण्यवती यानी वे जो स्त्रियां थीं, कौन सी स्त्रियां, जो राजा शूद्रक के राजमहलों में थी, वे कैसी थी, लावण्यवती अर्थात वे लावण्य से भी युक्त थीं, जो सौंदर्य से युक्त थीं। विनयवती कहते हैं जो नम्रता से युक्त थी, विनयवती अर्थात जो नम्रता से युक्त थी। फिर दिया है अनसन्वयवती, सन्वय कहते हैं अनवय को, अनवय कहते हैं वंश, यानी जो अच्छे कुल की थी, जो कुलीन थी ऐसी। हृदय हारिणी जो हृदय को हरने वाली थी अर्थात जो हृदय को आकर्षित करने वाली थी ऐसी। चावरोध जने कि चावरोध जने यानी अवरोध गृह में, अवरोध गृह कहते हैं अंतःपुर को, अंतःपुर में यानी अंतःपुर के जो जन थे। तो यहाँ तक का देखिए अर्थ क्या है कि उसका जो अंतःपुर था, जो रनिवास था जिसमें रानियाँ निवास करती थी, कहाँ पर, उस राजा शूद्रक के यहाँ जो रानियाँ निवास करती थी उनका वर्णन किया है कि वे रानियाँ कैसी थी, सत्यपि रूप विलासोपहसित रति विभ्रमे, कि जो रूप और विलासों में जो रति को भी उपहास करती थी, जो रति का भी मजाक उड़ा देती थी अर्थात जो रति से भी जो ज़्यादा थी ऐसी। लावण्यवती, लावण्य कहते हैं सौंदर्य को, तो लावण्य से जो युक्त थी विनयवती, और नम्रता से जो युक्त थी अन्वयवती, जो अच्छे वंश वाली थी हृदय हारिणी, और जो हृदय को हरण करने वाली थी अर्थात जो हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली थी ऐसी, यानी ऐसे स्त्रीजनों की। राजा शूद्रक के दरबार में होने पर फिर क्या कहते हैं, स माने हुए हैं, यानी इसमें यह वर्णन किया है कि जो राजा शूद्रक था उस राजा शूद्रक के राज दरबार में अत्यंत सुंदर सुंदर स्त्रियां थीं, जो रति कामदेव की जो पत्नी है रति उसको भी जो उपहास कर देती थी,
उसका भी जो मजाक उड़ा देती थी अर्थात उससे भी जो ज़्यादा सुंदर थी, ऐसी स्त्रियाँ उस राजा शूद्रक के दरबार में थीं। फिर भी स माने वह, स वह कौन, वह जो राजा शूद्रक है। कदाचित, कदाचित कहते हैं कभी कभी। अनवरत, अनवरत कहते हैं लगातार। दोलायमान, दोलायमान कहते हैं हिलते हुए। क्या तक कहते हैं? अनवरत, अनवरत कहते हैं लगातार को, निरंतर को, और दोलायमान कहते हैं हिलते हुए। रत्न वलय यानी जिसमें रत्नों के वलय हिलते थे अर्थात गति करते थे ऐसे। घर घरित, घर घरिक आस्फालन जो घर घर की ध्वनि करते थे। आस्फालन प्रकंप, और आस्फालन कहते हैं उनको उठाने से और जो कंपन से जो युक्त थे अर्थात जब उनको बजाते थे ना, आस्फालन कहते हैं उसको बजाने से। आस्फालन प्रकंप झण झणाए माना, और जिसमें कंपन उत्पन्न हो जाता था और झण झण की जो ध्वनि करते थे ऐसे। मणि कर्णपुर कि मणि कर्णपुर अर्थात जो रत्न जड़ित कर्ण फूलों से, फूलों से जो युक्त था ऐसे। स्वयं आरब्ध मृदंग वाद्य कि स्वयं अपने आप ही आरब्ध प्रारंभ कर दिया था मृदंग वाद्य, यानी वह कभी कभी अपने आप ही जो मृदंग होता है वाद्य यंत्र होता है उसको स्वयं स्वयं बजाने लग जाता था। और संगीतक प्रसंगेन, संगीतक प्रसंगेन यानी संगीतक प्रसंगेन कहते हैं संगीत के प्रसंग से। क्या कहता है कवि कि संगीतक प्रसंगेन यानी संगीत के प्रसंग से, ये कहा है विद्यार्थियों, यानी संगीत के प्रसंग से कहा है संगीत के माध्यम से। कदाचित, और कदाचित कहते हैं कभी कभी। अविरल, अविरल कहते हैं सघन को। विमुक्त, विमुक्त कहते हैं छोड़े गए। सर, सर कहते हैं बाण को, और आसार कहते हैं वर्षा यानी बाणों की वर्षा से। शून्यकृत कानन, शून्यकृत माने शून्य कर दिया गया था, कानन माने बन। मृगया, मृगया कहते हैं शिकार के द्वारा अर्थात जो राजा शूद्रक है वह शिकार खेलने जाता था, और शिकार खेलने जब वह जाता था तो उसने अपने शिकार खेलने के द्वारा जो कानन है, जो बन है, उसको भी क्या कर दिया था, शून्य कर दिया था ऐसा। और कदाचित आबद्ध विदग्ध मंडल कि कदाचित और कभी कभी आबद्ध विदग्ध मंडल और कभी कभी आबद्ध कहते हैं आए हुए, विदग्ध कहते हैं विद्वानों के समुदाय से। और कभी कभी क्या करता था वो कि सेमिनार का, संगोष्ठियों का आयोजन करता था, तो कभी कभी उसका जो समय है वो किस में व्यतीत हो जाता था, विद्वानों के साथ। और फिर कहते हैं काव्य प्रबंध रचनेन, और कभी कभी उसका जो समय है काव्य प्रबंधों की रचना करने में व्यतीत हो जाता था। और कदाचित छात्रालयपिन, कदाचित शास्त्र आलापिन, और कभी कभी शास्त्र की बातचीत करने में उसका समय व्यतीत होता था। एक बार पुनः देख लीजिए कि सत्यपि, सत्यपि कहते हैं होने पर। विलास, रूप विलास उपहसित, रूप और विलास में। तो देखिए व्याकरण टिप्पणी अभी बता देता हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ बड़ा है, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो देखिए सत्य प्लस अपि, सत्य यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सत्य प्लस अपि, यहाँ यण संधि है और देखिए यहाँ क्या है गुण संधि है। तो सत्यपि यानी होने पर रूप विलास उपहसित, तो उपहसित में उप उपसर्ग है, हस धातु है, और कत प्रत्यय हो जाएगा। रति विभ्रमे यानी जो रति है उसको विभ्रमों में जो उपहास कर देती थी, जो रूपवती थी, ऐसी स्त्रियां उसके अंतःपुर में थी। लावण्यवती, और लावण्यवती कहते हैं जो लावण्य से युक्त थी,
और विनयवती जो नम्रता से युक्त थीं, और अन्वयवती कहते हैं अच्छे कुल वाली थीं, और हृदय हारिणी और जो हृदय को हरण करने वाली थीं ऐसी अपरोध जने यानी ऐसी स्त्रियां उसके अंतःपुर में होने पर भी, अंतःपुर कहते हैं राजाओं के यहाँ जहाँ पर रानियाँ निवास करती हैं, तो होने पर भी सब माने वह राजा कदाचित अनवरत दोलायमान रत्न वलयो घर घरित स्फालन प्रकंप झण झणायमान मणिकर्ण पूरा। तो क्या कहते हैं कि स्वयं आरब्ध मृदंग वाद्य संगीतक प्रसंग है कि कभी कभी क्या होता था कि वह जो राजा शूद्रक है अनवरत कहते हैं लगातार हिलते हुए, रत्न वलय कहते हैं जिसमें रत्न लगे रहते हैं, घर घरित कहते हैं घर घर की ध्वनि को, और आस्फालन कहते हैं उसको बजाने से, प्रकंप जिसमें कंपन शुरू हो जाता है ऐसे झण झण करते हुए, मणिकर्णपुर जो मणिकर्णपुरों से युक्त थे, जो मणियों से युक्त थे, स्वयं आरब्ध मृदंग वाद्य यानी स्वयं प्रारंभ कर देता था मृदंग को बजाना, और कदाचित हाँ संगीतक प्रसंग यानी संगीत प्रसंग में कभी कभी क्या हुआ है मृदंग को बजाना प्रारंभ कर देता था, और कदाचित विमुक्त सरासार सोनीकृत काननों मृगया व्यापारण, और कभी कभी कदाचित कहते हैं कभी कभी अविरल, अविरल कहते हैं लगातार निरंतर विमुक्त छोड़े गए सर कहते हैं बाणों के आसार कहते हैं वर्षा से, यानी जब वह बाण लगातार चलाता था तो बाणों की वर्षा से सोनीकृत कानन, कानन कहते हैं वन यानी शिकार खेल खेल करके उसने सभी जीव जंतु नष्ट कर दिए थे, और जिससे क्या है शून्य बन हो गया था, तो वह मृगया व्यापार का तात्पर्य क्या है वह शिकार भी खेलता था, और शिकार खेलता था तो इससे यह प्रतीत होता है कि वह अपना समय शिकार के माध्यम से व्यतीत करता था, और सोनीकृत काननों मृगया हो गया कदाचित आबद्ध विदग्ध मंडला, और कभी कभी आबद्ध कदाचित आबद्ध, आबद्ध कहते हैं आए हुए यानी वह संगोष्ठियों का आयोजन करता था, तो उसके यहाँ जब वो विद्वान आते थे कुछ समय वह उन विद्वानों के साथ व्यतीत कर देता था, और काव्य प्रबंध रचने और कभी कभी कुछ समय काव्य प्रबंधों की रचना करने में, और कदाचित छात्रालेपिन और कभी कभी जो शास्त्र हैं उनकी बातचीत करने में या शास्त्रों पर तर्क वितर्क करने में वह अपना समय व्यतीत करता था। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आप देखिए इसमें आगे बताया गया है कि कदाचित आख्यानक आख्यायिका इतिहास पुराण आकर्णनी कि कभी कभी उस राजा शूद्रक का समय किस में व्यतीत होता था। देखिए कदाचित माने कभी, आख्यान आख्यानक कहते हैं जो कहानियाँ होती हैं उसमें, आख्यायिका आख्यायिका भी एक कहानी का प्रकार होता है, तो क्या कहते हैं कदाचित आख्यानक, आख्यानक कथानक होते हैं, और कदाचित कदाचित कहते हैं कभी कभी आख्यायिका, आख्यायिका है जैसे हर्षचरित है वह क्या है विद्यार्थियों एक आख्यायिका है, तो कभी कभी आख्यायिका, और इतिहास इतिहास आप जानते हैं इतिहास के ग्रंथ आदि होते हैं, पुराण प्राण आप जानते हैं 18 प्राण हैं, आकर्णनेन यानी कभी कभी वह जो राजा शूद्रक है अपने दिनों को कैसे व्यतीत करता था आख्यानक आख्यायिका इतिहास पुराण आदि को सुनने में, और कदाचित आलेख्य विनोदेन, आलेख्य कहते हैं जो चित्रकारी करते हैं जो चित्र बनाते हैं, तो कभी कभी जो राजा शूद्रक है वह अपना समय कैसे व्यतीत करता था चित्र आदि बनाने में, और कदाचित वीणया और कदाचित और कभी कभी वह जो राजा शूद्रक है वो वीणा बजा करके अपना समय दिनों को व्यतीत करता था, और कदाचित दर्शन आगत मुनिजन चरण शुश्रूषया और कदाचित कहते हैं कभी कभी दर्शन के लिए आए हुए मुनि
यानी उस राजा शूद्र के दर्शन करने के लिए जो मुनि आते थे उनके चरणों की शुश्रूषा सेवा के द्वारा, और कदाचित अक्षरच्युतक। अक्षरच्युतक किसको बोलते हैं, जैसे खेलते हैं कि कोई भी एक अक्षर गायब कर दिया तो उसको बोलते हैं अक्षरच्युतक। फिर हमें उस अर्थ अक्षर को भरना होता है, जैसे आप अखबार आदि भी देखते होंगे उनमें भी आता है। तो अक्षरच्युतक क्या होता है कि कोई चीज़ लिखी उसमें से एक अक्षर गायब कर दिया तो उसकी पूर्ति करनी होती है, तो उसको कहते हैं अक्षरच्युतक। मात्राच्युतक, किसी में से मात्रा को हटा दिया तो मात्रा की गलती सही करनी होती है। बिंदुमति, कहीं से पॉइंट हटा दिया, बिंदु हटा दिया तो बिंदु, इस गूढ़ चतुर्थ पाद प्रहेल का प्रदान आदि भी। और गूढ़ कहते हैं गुप्त, प्रहेलिका चतुर्थ पाद कहते हैं चौथा पाद, चौथा चरण प्रहेलिका प्रदान आदि। कभी कभी क्या करता था वह शूद्रक के कोई पहेली है उसके चौथे पाद को गायब कर दिया, फिर पूछना यानी पहेली आदि पूछने से अपना दिन व्यतीत करता था। और बनेता संभोग सुख परांग मुखः, किंतु वह जो राजा शूद्रक है, वनिता जो उसके राजमहल में अंतःपुर में जो सुंदर सुंदर स्त्रियां थीं उनके संभोग के प्रति कैसा होता था, वो विमुख रहता था। विमुख यानी उनके भोग में उसका ध्यान नहीं था। और सुहृत परिवृत, सुहृत कहते हैं मित्रों से, परिवृत कहते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ, दिवसम अनैसित अपने दिनों को व्यतीत करता था। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो राजा शूद्रक है उस राजा शूद्रक की अपनी स्त्रियों में आसक्ति नहीं थी, संभोग में ज़्यादा उसकी आसक्ति नहीं थी। वह अपना जो समय व्यतीत करता था वो कैसे करता था, ये जो इसमें बताए गए हेतु हैं उनके द्वारा अपना समय व्यतीत करता था, लेकिन स्त्रियों के संभोग के प्रति वह परांगमुख था। परांगमुख का मतलब होता है विपरीत मुख वाला था, यानी स्त्रियों के साथ संभोग करने में उसको कोई रुचि नहीं थी। ऐसा था कौन, वह जो राजा शूद्रक है वह, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि जो राजा शूद्रक है वो कैसा था, ऐसा था कि वह अपने जो राजमहल में जो स्त्रियां थीं उन स्त्रियों के प्रति उसमें संभोग के प्रति आसक्ति नहीं थी। तो ये बताया गया विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों हम लिखेंगे इसकी व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए व्याकरण जो टिप्पणी है वो कौन सी है, देखिए एक तो आया था इसमें सत्यपि, सत्यपि है, आप लिख देंगे सती प्लस अपि, सती प्लस अपि है, और इसमें संधि हो जाएगी यण, आप सूत्र लिख देंगे एको यण की। उसके बाद दूसरा है उपहसित, आप लिखेंगे उप उपसर्ग, हस धातु प्लस त प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद जो आप लिखेंगे देखिए एक शब्द है रूप बिलासव, आप लिख देंगे रूपश्च बिलासश्च, और समास हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास। फिर उसके बाद आप अगली व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों, एक है रति
बिभ्रमे, तो आप लिखेंगे रतेह, क्या लिखेंगे, रतेह बिभ्रमे, और यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे विद्यार्थियों, और आगे जब चलेंगे तो देखिए इसमें दे रखा है लावण्यवती, क्या दे रखा है, लावण्यवती, तो आप लिखेंगे लावण्य शब्द है और मतु प्रत्यय है। फिर उसके बाद अगली जो व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, विनयमति, क्या है, विनय मति, तो आप लिखेंगे विनय शब्द है और मतु प्रत्यय है। फिर उसके बाद है संगीतक है, तो संगीत शब्द है प्लस कन शब्द, कन प्रत्यय है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद आठवां है विद्यार्थियों को इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद जब आप देखते हैं तो देखिए एक शब्द आया है कि विदग्ध, क्या है, विदग्ध, एक शब्द है विदग्ध, तो आप लिखेंगे वि उपसर्ग दह धातु और प्लस त प्रत्यय। फिर देखिए आगे वाला है नवे नंबर पर जब देखेंगे तो देखिए आलाप है, आप लिखेंगे आंग उपसर्ग लप धातु प्लस घय प्रत्यय।
फिर दसवां है विद्यार्थियों, क्या दे रखा है, आख्याते। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ से हो जाएगा यहाँ लिखेंगे आख्याई का प्लस इतिहास, तो ये गुण संधि हो जाएगी। फिर देखिए एक शब्द है संभोग, क्या है संभोग शब्द है, तो आप लिखेंगे सम उपसर्ग भोज धातु प्लस घय प्रत्यय, ठीक है विद्यार्थी, प्रत्यय। फिर अगली व्याकरण टिप्पणी है, पारी वृत्त, तो परि उपसर्ग है, वृत्त धातु परि वृत्त और त प्रत्यय, उसके बाद अगला है बिंदु विद्यार्थियों, अनेसीत, क्या है अनेसीत, तो नी धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये विद्यार्थियों आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है व्याकरण टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विद्यार्थी, और मेरा प्रयास निरंतर चल रहा है। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि जो आपके साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमए फाइनल या एमए प्रीवियस या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, तो उनके लिए ये जो मेरे वीडियो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि अपने साथियों के लिए शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।